हेलो दोस्तों, माँ अम्बे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि मेरा आप यह यूट्यूब का चैनल पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। आज हम आपको धनिया के आलू बनाने की विधि बता रही हूँ। आज हम धनिया के आलू कैथे से बनाएंगे। बहुत से लोगों ने कैथा देखा नहीं है, मतलब यूपी में तो खूब जानते हैं सब लोग कैथा, लेकिन कैथे के धनिया के आलू शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम आपको कैथा दिखाते हैं। ये देखिए कैथा है, ये बिल्कुल नारियल जैसा होता है, जैसे नारियल ऊपर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट रहता है, मतलब अच्छा रहता है खाने लायक। ऐसे ये भी बहुत सख्त है, बिल्कुल पत्थर जैसा। इसको किसी हथौड़े या जमीन में पटक कर ही तोड़ेंगे। वैसे तो कैथे, पके कैथे की चटनी, मतलब धनिया के आलू बहुत अच्छे बनते हैं। चलो हम इसको तोड़कर देखते हैं, ये पका है कि कच्चा है। देखिए दोस्तों, ये मैंने कैथे को तोड़ दिया है, देखिए बिल्कुल कच्चा है ये। अब हम इस कच्चे की कैथे की चटनी बनाएंगे तो ये खुरदड़ी टाइप की बनेगी, मतलब मोटी मोटी सी बनेगी, चिकनी नहीं बनेगी। हमें धनिया के आलू के लिए चिकनी चटनी चाहिए। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम पकाएंगे। या तो आपके पास ओवन हो तो उसमें रख दीजिए, पक जाएगा, या तो फिर आप इसको, इसका जो गूदा है, ये बीज में लगा हुआ गूदा, इसको चाकू से निकाल लीजिए और इसको कुकर पर उबाल लीजिए। एक उबालने पर ही ये पक जाएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा निकाल कर उबालते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम चाकू से निकाल रहे हैं एक डिश पे। हमारी जितने आलू हमने रखे हैं उतने आलू के लिए इतना कैथा बहुत है, ये बहुत सारा कहता है। इस इतने कहते में 3-4 बार हमारे धनिया के आलू बन जाएंगे। देखिए इतने कहता ही हमको उबालना है। देखिए दोस्तों, मैंने आलू छील लिए हैं और इसके दो दो हिस्से कर दीजिए। आलू छोटा सा छोटा आप चॉइस कीजिए, धनिया के हम जितने छोटे आलू होंगे उतने अच्छे देखने में लगेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने दो दो टुकड़ों पर कर दिया है। अब देखिए मैंने कैथे को उबाल लिया। देखिए उबालने के बाद इसका कलर ऐसे आया है। देखिए मेरा कैथा आधा से ज़्यादा बच गया है। इसको हम 2-3 बार में और इतने इतने आलू बना लेंगे। चलिए अब हम धनिया के आलू की चटनी बनाते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। वैसे हरी धनिया थोड़ी सी कम ही डालते हैं। चलिए धनिया डालते हैं। अब इसमें ये पालक है, इसको पालक को डाल देते हैं। अब ये हरी मिर्च है, 2 हरी मिर्च डाल देते हैं। जब तक तीखा ना हो तब तक मज़ा नहीं आती धनिया के आलू में। अब हम इसमें एक उबला हुआ आलू तोड़ के थोड़ा सा डाल देते हैं, जिससे हमारी चटनी चिकनी बने। और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। धनिया के आलू की चटनी पतली हो जाएगी तो कोई बात नहीं, यदि आपको चटनी थोड़ी सी निकालनी खाने के लिए तो आप पानी कम डालिए। धनिया के आलू के लिए बना रहे हैं, थोड़ा पानी डाल दीजिए क्योंकि आलू अभी पानी सूख जाएगा। चलिए हम इसको पीसते हैं। मैं कैथा डालना भूल गई इसलिए अब हम कैथा भी इसमें डाल देते हैं। देखिए मेरी ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको चम्मच से आलू पर डालते हैं। अभी इसमें हमको धनिया के आलू में के हिसाब से चटनी गाढ़ी है, इसमें अभी हमें धनिया के आलू में थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि अभी सारा पानी ये धनिया के आलू सोख लेगा। अब इसमें हम ये नींबू का रस डाल देते हैं। पहले देखिए काफ़ी रस है, एक नींबू का रस है, काफ़ी रसीला था, बड़ा भी था, एक नींबू काफ़ी है। अब इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा सफ़ेद नमक।
बहुत अच्छी महक आ रही है चटनी की, खट्टे खट्टे। वैसे कहते हैं कि चटनी के धनिया के आलू, शायद ही किसी ने सुने होंगे, मेरे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है। मेरे हाथ के बने हुए बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप भी बनाइएगा, आप बताइएगा, कमेंट करिएगा कैसे बने। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो सबसे पहले लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरा कुछ उत्साह बढ़े कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, क्योंकि अभी रखने से ये थोड़े से आलू सोख लेगा पानी। देखिए मेरी इसमें भी चटनी बच गई, मैंने थोड़ी सी पहले भी बचा ली थी इसमें चटनी। अभी हम इतने ही आलू और इतनी चटनी में बना लेंगे। अब ये देखिए खाने लायक आलू हो गए। अब इसको 15-20 मिनट बाद खाइएगा, जब इसमें सारा असर उतर आएगा चटनी का आलू में। आपको मेरी ये कैथे की चटनी के धनिया के आलू पसंद आए हो, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसे लगे, अच्छे लगे कि नहीं अच्छे लगे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बनाइए, फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद मेरी वीडियो।